अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। डायबिटीज़ क्या है, क्यों होता है, शुगर का डायबिटीज़ में क्या रोल है, स्ट्रेस का डायबिटीज़ में क्या रोल है, डायबिटीज़ को 100 नहीं 200% रिवर्स करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या डायबिटीज़ रिवर्स हो भी सकता है या नहीं, जानेंगे हर चीज़ इस एपिसोड में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोज़ मिस ना हो। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। सबसे पहले ये समझते हैं कि नॉर्मल डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, ब्लड शुगर किस तरह से बढ़ता है और किस तरह से वापस कम होता है। तो आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो डाइजेस्ट होता है। जो भी आप खाना खाते हैं वो ब्लड में शुगर को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि वो खाना डाइजेस्ट होके शुगर ही बन जाता है और वो फिर ब्लड में जाता है। ब्लड में शुगर का एक मैक्सिमम लिमिट होता है। जैसे ही वो लिमिट क्रॉस करता है, ब्रेन अपने एक एजेंट को भेजता है कि जो एक्सेस ग्लूकोज ब्लड में घूम रहा है उसको उठा के गोदामों में भर दो। उस एजेंट का नाम है इंसुलिन। तो इंसुलिन आया, उसने एक्स्ट्रा ग्लूकोज को उठाया और गोदाम के पास ले गया। सबसे पहला गोदाम होता है मसल्स के सेल्स के अंदर। वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, क्या तुम्हारे पास जगह खाली है? मसल सेल बोलता है, हाँ, अगर तुम्हारे पास 100 किलो है तो 10 किलो मुझे दे दो, मेरे पास 10 किलो की जगह खाली है। ठीक है, 10 किलो वहां चला गया, बच गया 90 किलो। फिर उसके बाद वो दूसरे गोदाम के पास जाता है जो लिवर में है। तो लिवर से पूछता है, क्या तुम्हें रिक्वायरमेंट है? लिवर बोलता है, नहीं, वैसे तो फुल है। अच्छा चलो 1 किलो दे दो। तो 1 किलो वहां चला गया, अब 89 kg बचा है। अब ये 89 kg इंसुलिन पूरा का पूरा उठा के फैट सेल्स में भर देगा। फैट सेल्स की भी एक लिमिट होती है, लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास स्कोप है तो फैट सेल्स बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से इंसुलिन जो एक्सेस ग्लूकोज ब्लड में आ रहा है उसको सेटल करने में हेल्प करता है। अब सपोज करिए कि आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ा, जैसे ही बढ़ा इंसुलिन रिलीज किया गया। अब ये इंसुलिन मसल के पास पहुंचा, मसल बोलेगा, नहीं नहीं हमारा गोदाम फुल है, हमें नहीं चाहिए। फिर वो लिवर के पास जाएगा, लिवर पूछेगा, क्या आपको चाहिए? लिवर बोलेगा, नहीं मुझे भी नहीं चाहिए भाई, मेरा भी बिल्कुल ओवर ऊपर तक फुल है। फिर वो फैट सेल्स के पास जाएगा, फैट भी बोलेगा, यार मेरा भी आज गोदाम बिल्कुल फुल है, हमें नहीं चाहिए। तब फिर क्या होगा? फिर ब्रेन को ऐसा लगेगा कि ब्लड का ग्लूकोज कम नहीं हुआ है, लगता है मैंने जो इंसुलिन भेजा है, जो एजेंट मैंने भेजा है, वो लगता है कम पड़ रहे हैं आज का काम करने के लिए। तो फिर ब्रेन और इंसुलिन रिलीज करता है, लेकिन उसके बावजूद भी ग्लूकोज वहीं का वहीं रहता है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे गोदाम जो है वो फुल हैं। फिर ऐसे में हमारी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं हाइपर इंसुलिनेमिया, और ग्लूकोज भी ब्लड में पूरे टाइम बढ़ा रहता है। और मुबारक हो, डॉक्टर आपको बोलता है आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई है, आपके ब्लड में शुगर ज़्यादा है। अब इसके बाद फिर दवाइयों का काम आता है। अब मेडिसिंस क्या करते हैं? मेडिसिंस इंसुलिन को और ज़्यादा रिलीज करने की कोशिश करते हैं। आपके पैनक्रियाज में एक बीटा सेल्स होता है जो जहाँ पे इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, तो कुछ दवाइयाँ वहाँ जाते हैं और आपके बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं ताकि और इंसुलिन बने और आपके ब्लड ग्लूकोज को सेटल किया जाए। बट हमें ये समझ में नहीं आता कि वो इंसुलिन ग्लूकोज को लेके जाएगा कहाँ, क्योंकि जगह तो कहीं है ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद इंसुलिन लगा रहता है और इवेंचुअली वो ग्लूकोज थोड़ा थोड़ा करके फैट सेल्स में जाता रहता है। कुछ दवाइयाँ एक्स्ट्रा ग्लूकोज को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती हैं, और ये जो इंसुलिन है ये इंसुलिन को दवाई देके स्टिमुलेट करके प्रोड्यूस भी किया जा सकता है और ऊपर से इंसुलिन लिया भी जा सकता है डायरेक्ट, जो आज के डेट में काफ़ी प्रचलित है कि आपने इंसुलिन को इंजेक्शन फॉर्म में ले लिया और डायरेक्ट वो इंसुलिन अपना काम कर रहा है। पहले जो दवाइयाँ चलती थी वो आपकी बॉडी में जाके आपके सेल्स को स्टिमुलेट करके इंसुलिन का प्रोडक्शन करती थी, यानी कि जो दवाइयाँ हैं वो रूट कॉज को सॉल्व नहीं कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि मेरा शुगर नॉर्मल है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ग्लूकोज कहाँ जा रहा है? कहीं तो जा रहा होगा ना, वो जा रहा है आपकी बॉडी में सेव हो रहा है। और अगर बाहर से कोई चीज़ अंदर जाके बॉडी के अंदर के काम को करने लग जाए तो बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी उस काम को कर रहा था वो प्रोड्यूस नहीं होगा या धीरे धीरे वो कम होने लगेगा, यानी कि इस केस में इंसुलिन।
अगर बॉडी अपना इंसुलिन बना रही है और तभी उसको ऐसा लगेगा कि किसी ना किसी वजह से हमारी बॉडी में और ज़्यादा इंसुलिन बढ़ रहा है, तो बॉडी बोलेगी ज़्यादा इंसुलिन हो रहा है, प्रोडक्शन को कम करो। बॉडी को तो ये मालूम नहीं कि हम ऊपर से इंसुलिन ले रहे हैं। तो इवेंचुअली अगर आप इंसुलिन बहुत लंबे समय तक लेने लगते हैं, और ये लंबा समय काफ़ी लंबा होता है, 15 साल 20 साल 25 साल, तो इवेंचुअली बॉडी अपना इंसुलिन बनाना बंद करने लगती है और इस तरह से आपका टाइप 2 डायबिटीज टाइप 1 में कन्वर्ट होने लगता है। तो दोस्तों, दवाइयाँ सॉल्यूशन नहीं है, डिस्ट्रैक्शन है। आपको वो डिस्ट्रैक्ट करके रहती हैं और आप अपना लाइफस्टाइल नहीं सुधारते। क्यों? क्योंकि आपको लगता है शुगर दवाई खाने से ठीक है। वो ठीक नहीं है, वो किसी तरह मैनेज की जा रही है। और इन सारे प्रोसेस में आपके बॉडी के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं वो भी थोड़ा सा समझते हैं। थोड़ा टेक्निकल लेकिन बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ। तो मसल सेल्स के ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, लिवर सेल्स के ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, और फैट सेल्स के ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, जैसे ही आपने खाना खाया, ब्लड का ग्लूकोज बढ़ा, इंसुलिन रिलीज हुआ, तो इंसुलिन जब इन ग्लूकोज को लेके मसल सेल्स के पास जाएगा तो इंसुलिन रिसेप्टर्स इंसुलिन उसके ऊपर चिपकेगा ताकि ग्लूकोज उसके अंदर जा सके। एक तरह से इंसुलिन इंसुलिन रिसेप्टर्स की चाबी होती है, तभी तो सेल्स के अंदर ग्लूकोज जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि मसल सेल्स के अंदर कोई एक्टिविटी तो हो नहीं रही, उसका ग्लूकोज लेवल ऑलरेडी बढ़ा हुआ रहता है। लिवर सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स लगे वहाँ कोई एक्टिविटी हो नहीं रही क्योंकि वहाँ भी कोई काम नहीं हो रहा है। जो भी थोड़ी बहुत एक्टिविटी हो रही है वो हो रही है फैट सेल्स के ऊपर। तो बॉडी को ऐसा लगेगा कि मसल सेल्स और लिवर सेल्स के ऊपर जो इंसुलिन रिसेप्टर्स लगे हैं उनका कोई काम है नहीं, उसको वहाँ से उठाओ और फैट सेल्स के ऊपर ज़्यादा बनाओ क्योंकि वहाँ पर एक्टिविटी है। तो इवेंचुअली इन सारे प्रोसेसेस में मसल सेल्स और लिवर सेल्स के ऊपर के जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं वो कम होते चले जाते हैं और फैट सेल्स के ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। यानी कि फ्यूचर में आप जो भी खाना खाओगे वो फैट सेल्स में ज़्यादा सेव होने वाला है अपने आप। क्यों? क्योंकि फैट सेल्स के ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर्स ज़्यादा हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारी खुद की लाइफस्टाइल की वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम हो रही है, और इसमें एक सबसे बड़ा रोल स्ट्रेस का भी है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछेगा। नेक्स्ट एपिसोड में मैं स्ट्रेस के बारे में बात करने वाला हूँ कि किस तरह से स्ट्रेस हमारी प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहा है, या हो सकता है कि स्ट्रेस ही केवल डायबिटीज़ का कारण हो, क्योंकि बहुत लोग हैं जो लीन हैं, जो पतले दुबले हैं उसके बाद भी उनको डायबिटीज़ है। तो अगले एपिसोड में हम समझेंगे कि स्ट्रेस किस तरह से आपकी डायबिटीज़ के होने का कारण बनता है, और अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसको कैसे एग्रेवेट करता है। प्लस ये भी समझेंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन है, किस तरह से इसको हम रिवर्स करें। किया जा सकता है दोस्तों, 100% अगले एपिसोड में ज़रूर समझेंगे। कोई क्वेश्चन हो कमेंट में पूछिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। दिस इज़ कपिल कनोडिया साइनिंग आउट।